सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन करने आते हैं लड़के लोग और पोखर में एक लड़के हो जाते हैं गायब। ये आपको सुपौल जिला के कढ़ियों से हम बहुत बड़ा तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। लगातार जो यहां पर एनडीआरएफ का टीम है खोजने का काम किया जा रहा है, दिखाइएगा जरा। और ग्रामीणों के सहयोग से भी लगातार यहाँ पोखर में जो है खोजने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कल शाम में ही शुक्रवार के शाम को यहाँ पर लड़के लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए आते हैं और इसी में से एक लड़का जो है यहाँ पर गायब हो जाता है, जो कढ़ियों के ही दिलीप दास का लड़का बताया जा रहा है, जो कढ़ियों का ही निवासी है। और लड़का जो है 9th क्लास में पढ़ रहा था, 13-14 साल का लड़का था। और इसी पोखर में देख सकते हैं, ये पोखर जो है 15-20 फुट की गहराई है इसमें बताया जा रहा है। और इसी पोखर में लड़का लोग जब आते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए तो यहाँ पर जो है गायब हो जाता है। और उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर एनडीआरएफ का जो टीम है वो लगातार खोजने का काम कर रहे हैं। दिखाइएगा इधर, देखिए सैकड़ों का भीड़, एक बार भीड़ दिखाइएगा। ये देखिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट आपको हम सुपौल के कढ़ियों से दे रहे हैं। लगातार जो उस लड़के को खोजा जा रहा है और यहाँ ग्रामीणों का भीड़ लगा हुआ है लगातार देखने के लिए। देखिए सैकड़ों का भीड़ लगा हुआ है और एनडीआरएफ का गाड़ी भी यहाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। इधर दिखाइए एनडीआरएफ का गाड़ी भी लगी हुई है और लगातार जो खोजने का प्रयास है वो जारी है। देखिए आइए हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार यहाँ पर देखिए किस तरह से जमावड़ा है, लगातार लोगों का भीड़ है और उस लड़के को खोजने का काम किया जा रहा है। देखिए हम एनडीआरएफ का जो टीम है उनसे भी हम बात करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार जो यहाँ खोजा जा रहा है लड़के लोगों को। सर थोड़ी जानकारी, कब की घटना है ये घटना? एग्जैक्ट कोई बता नहीं पा रहे हैं कब की है। अच्छा अच्छा, लोग ये बोल रहे हैं कि अप्रोक्सली 5 बजे के आसपास डूबने की संभावना है। कल शाम की जी, कंफर्म कोई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा ढूंढने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि कहाँ डूबा है इसका भी कंफर्म कोई नहीं कर पा रहे हैं और कब की घटना ये कोई कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोगों की टीम है सर आप लोगों का यहाँ पर? हमारा एक सब टीम है, उसमें लोग अप्रोक्स 18 से 20 लोग हैं। गोताखोर भी है? जी जी, डिप ड्राइविंग सेट है और डिप ड्राइवर पैर में आता है, एक पैर डिप ड्राइवर है जी। तो ये देख सकते हैं लगातार जो उस लड़के को खोजने का यहाँ प्रयत्न किया जा रहा है एनडीआरएफ के टीम के द्वारा। दिखाइए जरा, देखिए एनडीआरएफ का जो टीम है दिखाइए लगातार खोज रहे हैं यहाँ पर देखिए। और ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख लड़के लोगों के लिए, जो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो पोखर में कूद जाते हैं, ये कहीं ना कहीं बड़ी हादसा को आमंत्रण देते हैं। मूर्ति विसर्जन के समय में जो लड़के लोग नादानी करते हैं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिखाइए यहाँ से सीधा तस्वीर, ये देखिए सीधा तस्वीर दिखाइए। एनडीआरएफ का टीम जो है लगातार यहाँ पे खोजने का काम किया जा रहा है। देखिए गांव वालों का भीड़ यहाँ पे किस तरह से लगातार लगा हुआ है, सैकड़ों का भीड़ है, बच्चे महिलाएं सब यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एनडीआरएफ का जो टीम है देखिए लगातार खोज रहे हैं। ये मूर्ति विसर्जन के टाइम में लड़के लोग आए थे और इस पोखर में गायब हो गए थे। कितना गहराई होगा पोखर का? करीब 15 फीट पानी होगा। 15 फुट है लगा। अच्छा किसका लड़का था? दिलीप दास का, यहीं का रहने वाला। लड़का का क्या नाम था? वो तो हमको कुमार। सुजन कुमार। तुम लोग साथ में रहते थे, देखा था उसको? नहीं सर। मूर्ति, तो ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं सुपौल के कढ़ियों से, ये चौंकाने वाला तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से मूर्ति भसाने के लिए लड़के लोग आते हैं और एक दिलीप दास का लड़का, जो 9th क्लास का लड़का था, वो गायब हो जाता है। लगातार आज सुबह से 8:30 बजे से एनडीआरएफ का टीम खोज रहा है लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। जुड़े रहिए आप लोग DNY न्यूज के साथ और इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि लड़कों में ये जागरूकता फैले। तैरने नहीं आता है फिर भी लड़के लोग पोखर में चले जाते हैं और इस तरह की हादसा, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, हम इसके घर पर भी जाने का प्रयास करेंगे। दिलीप दास के परिजनों से, इस लड़के के परिवार वालों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
और